मैदान में है, बाबा सरबत का मजा ले रहे हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं क्या लग रहा है बाबा। मोदी 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 जी, मोदी जी आपको क्या लगता है कौन विकास कर सकता है यहाँ? कर सकता है सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह तो देख सकते हैं इनका मत है, अब मोदी का दरकार है। यहाँ पे मोदी जी के नाम पे वोटिंग हो रहा है, प्रत्याशी से मतलब नहीं है, प्रत्याशी से मतलब नहीं है, सही बात है। यहाँ देश के लिए मर रहा है आदमी। ठीक है सर, सीट के बारे में तो मैं आप सब लोग को बता दूं कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। आरजेडी से सुधाकर सिंह है, बीजेपी से मिथिलेश तिवारी है, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी की बात की जाए तो आईपीएस आनंद मिश्रा है। वहीं मैं आप लोग को बता दूं एक और प्रत्याशी हैं, जो कि वो भी प्रत्याशी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए, अनिल कुमार, जो कि बसपा से आते हैं। वहीं बात करें ददन पहलवान भी चुनावी मैदान में है। आज जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि कौन बक्सर का विकास कर सकता है, कौन बक्सर का विकास करेगा, जनता से पब्लिक रिव्यू लेंगे। तो देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, एक बार कहेंगे कि दिखाइए, ये देख सकते हैं रामरेखा घाट की तस्वीर है, एक बार दिखा दीजिए, और हमारी मौजूदगी यहीं पर है। तो चलिए आइए जनता से जानने का प्रयास करते हैं, इधर करिए कैमरामैन, और जनता से जानने का प्रयास करते हैं और जनता से पूछते हैं। तो देख सकते हैं हमारे साथ कुछ नागरिक हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस बार कौन आ रहा है बक्सर में? अरे हम लोग कर्मचारी हैं भाई। तो क्या हुआ, वोट नहीं देते आप लोग? हम जानते हैं। अच्छा, कुछ नहीं जानते, वोट नहीं देते हैं? आप वोट कराते हैं? अच्छा, हाँ पर आप क्या कहिएगा? आप वोट कराए वाला कौन आ रहा है बक्सर में? हम लोग इस सब के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। हम लोग सरकारी आदमी, हम लोग चारों आदमी चुनाव ड्यूटी में आए हैं। अच्छा, तो हम लोग इसके बारे में हम लोगों को ही सर में। अच्छा, आप क्या कहिएगा, क्या क्या, क्या कहना है? कौन आ रहा है बक्सर में? अब ये तो निश्चित नहीं है कौन आ रहा है यहाँ पर। कौन आपको लग रहा है कौन यहाँ का विकास कर सकता है, कौन विकास? यहाँ पर तो विकास करने के लिए सभी लोग बोलते हैं कि मैं विकास करूंगा, मैं विकास करूंगा, लेकिन कोई करने वाला रहे तब तो। तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में, तमाम प्रत्याशी चुनाव मैदान में सब बोलते हैं, वादा करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, करता तो कुछ है नहीं कोई। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि किसको लाया जाए तो बक्सर का विकास होगा? जो क्षेत्रीय पार्टी का आदमी है वो रहने से, जो नेता है वो, जो यहाँ का भूमि के विषय में जानता है, यहाँ के विषय में, वही कर सकता है, अन्यथा कोई दूसरा नहीं कर सकता। हाँ, तो क्षेत्रीय का मतलब आप दर्शक को थोड़ा बता दीजिए। क्या क्षेत्रीय का मतलब? कि जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो लोकल लोग हैं उनके यहाँ की जमीनी स्तर के ऊपर उनका जो आकर्षण रहता है वो कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे क्षेत्र के हैं लोग, जैसे अब नाम नहीं रखना चाहता, बाहरी भीतरी का मुद्दा को लेकर के वोटिंग हो? हाँ, बाहरी भीतरी का लेकर तो हो रहा है वो यहाँ पर। हाँ, आपको क्या लगता है इस बार बक्सर में जो विकास करेगा हम लोग उसी को वोट देंगे? तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में, मिथिलेश तिवारी, आनंद मिश्रा, नहीं कौन विकास कर सकता है ना? हमारा मोदी जी आएंगे यहाँ पर, जब आएंगे तो एमपी साहब आएंगे, वही हम लोग को दुख मिटाएंगे। कौन एमपी के लिए तमाम प्रत्याशी हैं, कौन विकास कर सकता है? तमाम प्रत्याशी खड़े हैं, हम लोग तो देखते देखते देश आजाद हुआ, देखते देखते रह गए हम लोग, कहाँ विकास हुआ? आपको क्या लगता है कौन विकास करेगा बक्सर का? अरे भैया, तो विकास वाला तो रवा लोग कहते हैं विकास करता है। तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, मिथिलेश तिवारी हैं, आनंद मिश्रा हैं, अनिल कुमार हैं, सब अपना अपना भाग से सब लड़ता है, जबा जेकर भाग हुई वो जीती। क्या लग रहा है कौन जीतेगा? कोई गारंटी नहीं। अच्छा, आपको कौन पसंद है? पसंद मैं जे काम करी वो पसंद बा हमें। अच्छा, हाँ देखिए कुछ लोग और है, क्या लग रहा है इस बार बक्सर में कौन आ रहा है? हमको तो लग रहा है अनिल कुमार जी आएंगे। अच्छा, अनिल कुमार बसपा प्रत्याशी। हाँ, लग रहा है अनिल कुमार आएंगे तो काम करेंगे। हाँ, आएंगे तो जरूरे करेंगे, ऐसा थोड़ी। ददन पहलवान है निर्दलीय प्रत्याशी, वो भी करेंगे, क्षेत्रीय हैं, काम करेंगे यहाँ के लिए, उनको कैसे देखते हैं? वो तो देखने को तो सही है सब है। आपका मत है अनिल कुमार? हाँ। अच्छा भैया, भैया रुक जाए, इधर कहाँ जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कौन आएगा तो बक्सर का विकास करेगा? हम थोड़ा अनजान है, ये राजनीति के पूर्ण अनजान है, वोट नहीं देते हैं। अरे है तो बाद में। आइए तो देखिए कुछ क्या क्या लग रहा है कौन विकास करेगा बक्सर का इस बार? बक्सर का इस बार विकास करने का मुद्दा एक ही चीज है जी। वोट का समय जब आता है तो लोग कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए, तो वोट के समय खाली वो लोग आते हैं कि वोट चाहिए हमको। और विकास में मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम 1,00,000 करोड़ ये खाता में 1,00,000 देंगे साल में, वो कहाँ चला गया? वो तो लोगों को प्रलोभन देते हैं, इसके बाद देखकर बहली आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ में नहीं फंसना। वो तो का स्थानीय मुद्दा क्या, किस मुद्दे को लेकर वोटिंग होगी? स्थानीय यहाँ का यही है कि जो स्थानीय क्षेत्र यहाँ को जो भी प्रत्याशी रहेंगे, तो दो ये तीन आदमी तो है, एगो है सुधाकर सिंह एक नंबर में है,
और दो नंबर में मिथिलेश तिवारी जो आए हैं इनको वोट लोग नहीं दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन विकास कर सकता है? यहाँ कर सकता है सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह तो देख सकते हैं इनका मत है। आपको क्या लग रहा है कौन विकास कर सकता है बक्सर का? हम नहीं कुछ कहेंगे, हम टीचर हैं, हम लोग इसमें कुछ भी कुछ नहीं। चलिए आपको क्या लग रहा है? तो बोले हैं भाई, क्या लग रहा है कौन विकास कर सकता है? अनिल कुमार। हाँ जी, देख सकते हैं ये अनिल भैया वाले हैं, ये कुछ और युवा हैं यहाँ पे। क्या लग रहा है कौन विकास करेगा बक्सर का? ओनली ऑन बीजेपी। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। आइए देख सकते हैं इधर कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इधर आइए और एक बार दिखाइए, यहाँ पे बाबा हैं, इनसे भी पूछने चाहेंगे। बाबा, क्या लग रहा है बक्सर का कौन विकास करेगा इस बार? तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, बाबा शरबत का मजा ले रहे हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं क्या लग रहा है बाबा। मोदी 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 जी, मोदी जी, मिथिलेश तिवारी यानी बक्सर के प्रत्याशी। जी जी जी, आपको क्या लग रहा है भैया? आप तो एक युवा हैं, आप देखते रहते होंगे बक्सर को, बहुत दिन से देख रहे हैं। वही मोदी जी। नहीं, हाँ मोदी जी। आपको क्या लग रहा है कौन विकास कर सकता है? लग रहा है यही कि हम लोग का देश को बचाना है, मोदी का दरकार है। यहाँ पे मोदी जी के नाम पे वोटिंग हो रहा है, प्रत्याशी से मतलब नहीं है? प्रत्याशी से मतलब नहीं है, सही बात है। यहाँ देश के लिए मर रहा है आदमी। ठीक है, हमारा कैसे बचेगा? ठीक है, देश को बचाना है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। भैया है यहाँ पे, गुपचुप चला रहा, क्या लग रहा है कौन आ रहा है इस बार बक्सर में? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं, मिथिलेश तिवारी जी। लग रहा है मिथिलेश तिवारी आए हैं तो विकास करेंगे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बाहरी भीतरी का मुद्दा है। नहीं, मोदी जी के बाद है, मोदी जी के नाम पे आप लोग वोटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं मोदी जी के नाम पे यानी वोटिंग होगा। मोदी जी, मोदी जी देश को बचाइए, मोदी को बुलाइए, देश को बचाइए, मोदी को बुलाइए। बहुत सारे लोग बोले कि बाहरी भीतरी का मुद्दा है, बाहरी मोदी नहीं है, बाहरी भीतरी का कोई मुद्दा नहीं। 2 से 2.5 लाख से भाजपा जीतेगा। IPS आनंद मिश्रा है, वो भी चुनावी मैदान में। कुछ नहीं, कुछ नहीं, निर्दल को वोट देगा यहाँ पे। इतना भाजपा का वोटर इतना दिमाग कमजोर थोड़े ना है कि निर्दल को वोट दे देगा। तो देख सकते हैं यहाँ सब लोग मिथिलेश तिवारी की बात करते हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे भैया है, क्या लग रहा है कौन आ रहा है बक्सर में? मोदी जी। मोदी जी, मोदी जी। तो देख सकते अभी हमारी उपस्थिति यहाँ पे है रामरेखा घाट, जो कि बक्सर में है, और ये रामरेखा घाट की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। रामरेखा घाट है, यहाँ पे तमाम लोग चुनावी मैदान में है। चलिए और कुछ पब्लिक से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, बने रहिएगा। जय हिंद।